गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली कक्षा में हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे थे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या है, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमने पिछली कक्षा में इसके प्रमुख लक्षण विशेषताएं पढ़ी थी, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में बताया था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के जो विचारकों ने अलग अलग परिभाषाएं इसकी जो बताई है उनके बारे में आपको बताया था, और लोकतंत्र के गुण और दोष की हम बात कर रहे थे। तो हमने लोकतंत्र के गुणों की पिछली कक्षा में चर्चा की थी और हमने इसके 8 गुण कर लिए थे। तो अब हम आगे इसी में ही आगे बढ़ते हैं और लोकतंत्र के गुण दोषों पर, पहले हम लोकतंत्र के गुण की बात करते हैं उसके बाद दोष की बात करेंगे। तो पिछली कक्षा में आपके 8 गुण हो गए थे, तो उसके आगे हम लोकतंत्र के गुणों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र के गुण पिछली कक्षा में हमने 8 गुणों की चर्चा की थी, उसके बाद में हम अगला गुण लेते हैं लोकतंत्र का, वो है विश्व शांति का समर्थक। तो देखिए, विश्व शांति का समर्थक, विश्व शांति का समर्थक। तो देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर आधारित है, और लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्श की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जो है मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उदारवादी मूल्यों पर आधारित है, और जिस प्रकार से मार्क्सवाद क्रांतिकारी साधनों की बात करता है उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संवैधानिक और अहिंसक साधनों के द्वारा हम देखते हैं किस प्रकार से जो है इसमें हम परिवर्तन की बात करते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था संवैधानिक शासन व्यवस्था में विश्वास रखती है, संविधानवाद में विश्वास रखती है, और हम देखते हैं कि इस शासन व्यवस्था में जो मूल्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और विश्व शांति का समर्थक जो है ये शासन प्रणाली है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्श की बात इसमें की जाती है, और इसमें स्थापित स्वतंत्रता समानता और न्याय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है इस शासन व्यवस्था की। तो इसलिए हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो कि संवैधानिक साधनों में अपना अडिग विश्वास रखती है, और इस कारण से हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में जो है युद्ध और क्रांति के स्थान पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का जो है समर्थन करती है, और विश्व में संपूर्ण विश्व में शांति की बात जो है इस व्यवस्था के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में ये विश्वास रखती है शासन व्यवस्था, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास तथा विवादों का समाधान शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा विवादों का समाधान शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा करती है, शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा करती है। तो देखिए, ये शासन व्यवस्था विश्व शांति की समर्थक है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में ये विचारधारा विश्वास रखती है ये शासन व्यवस्था, और विवादों का समाधान जो है क्रांति के द्वारा या हिंसक साधनों के द्वारा नहीं बल्कि वार्ता बातचीत के द्वारा जो है ये शासन व्यवस्था विवादों का समाधान करती है।
अब हम देखते हैं अगला है जनमत पर आधारित शासन। तो देखिए जनमत पर आधारित शासन है, जनमत पर आधारित शासन। तो देखिए ये शासन, यह शासन जनमत पर आधारित होता है, जनमत पर आधारित होता है तथा शासन का संचालन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से इस शासन व्यवस्था में जो है जनमत पर आधारित यह शासन होता है और इसमें शासन का संचालन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था में जनता जो होती है शासन की शक्ति का स्रोत होती है और शासन जो है जनता के द्वारा किया जाता है। तो जनता अप्रत्यक्ष रूप से भी अपने जो प्रतिनिधि चुनती है उनके माध्यम से भी शासन करती है। तो हम देखते हैं कि इस शासन व्यवस्था में जो है जनता जो होती है वो शासन का स्रोत होती है। अगला पॉइंट है एक कार्य कुशल सरकार। तो देखिए एक कार्य कुशल सरकार जो होती है वो हम इस शासन व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। एक कार्य कुशल सरकार, एक कार्य कुशल सरकार। तो देखिए इस शासन व्यवस्था में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है और शासन में जो उत्तरदायी, तो देखिए शासन उत्तरदायी होता है किसके प्रति, जनता के प्रति। शासन उत्तरदायी होता है जनता के प्रति। शासन में हमें उत्तरदायित्वता देखने को मिलती है और शासन जो है जनता के प्रति इसमें उत्तरदायित्वता हमें देखने को मिलती है कि शासन जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। किस प्रकार से जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से जो है बहुत ही कार्य कुशलता के साथ में जो कार्य संचालन किया जाता है और प्रशासन का बहुत ही कुशलता पूर्वक प्रबंधन हमें इस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें कार्य कुशल सरकार पाई जाती है और इस शासन व्यवस्था में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। इस कारण से शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और यदि जनता जो है संतुष्ट नहीं है और जो चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं उनमें जवाबदेहिता का अभाव पाया जाता है। तो फिर अगले जब शासन सरकार का जब जैसे मान लो समय पूरा हो गया होता है तो अगले 5 साल बाद में फिर हम देखते हैं ये समय अवधि कई देशों में कम भी हो सकती है। तो फिर अगले आने वाले चुनाव में जनता क्या होती है वो सरकार का तख्ता पलट कर देती है
और इस प्रकार से जो है सरकार में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, शासन में जवाबदेहिता पाई जाती है, और यदि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्वता नहीं निभाती है तो आने वाले समय में जो है जनता जो है सरकार में परिवर्तन कर सकती है। अगला पॉइंट है देशभक्ति की शिक्षा। तो देखिए देशभक्ति की शिक्षा तो देखिए लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। तो देखिए लोकतंत्र में राष्ट्र प्रेम की भावना हमें दिखाई देती है और राज्य को जो है किसी शासक वर्ग की संपत्ति न मानकर राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति न मानकर उसे जनता की संपत्ति माना जाता है। तो देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें देशभक्ति की भावना का जो है राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होता है और शासन जो है किसी शासक वर्ग की संपत्ति या बपौती न मानकर उसे जनता की संपत्ति माना जाता है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में हमें राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की जो शिक्षा मिलती है। अगला है क्रांति से सुरक्षा। अगली विशेषता है क्रांति से सुरक्षा। देखिए क्रांति से सुरक्षा तो देखिए इसमें हमें क्रांति से सुरक्षा मिलती है कि शासन किसी एक वर्ग के हाथों में न होकर शासन सत्ता किसी एक वर्ग में निहित न होकर एक वर्ग में निहित न होकर जनसमूह में होती है। तो देखिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो यदि ऐसे राज्यों में शासन की सत्ता किसी एक वर्ग के हाथों में होती है वहां उस वह वर्ग जनता की हित की उपेक्षा करके जो है शासन करता है। तो देखिए इसमें लोकतंत्र में क्रांति की जो है आवश्यकता हमें नहीं दिखाई देती क्योंकि जब शासन सत्ता किसी एक वर्ग के हाथों में न होकर जन समूह में होती है तो हम देखते हैं कि जहां राज्यों में किसी एक वर्ग में शासन सत्ता निहित होती है तो वहां पर जो है शासन सत्ता जनता के हितों की उपेक्षा करता है और उस वर्ग के प्रति जो है हित जो है साधता है। तो हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में जनता क्या करती है, क्रांति करती है और जो है शासन में
अस्थिरता हमें दिखाई देती है, जबकि शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो शासन की शक्ति जन समूह में निहित होती है, इसलिए जो है जनता के हितों की उपेक्षा नहीं की जा सकती और इस प्रकार से शासन जो है उत्तरदायी और जवाबदेही बना रहता है। तो इस शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि शासन जो होता है स्थायित्व हमें दिखता है शासन में, और शासन स्थायित्व लिए हुए निरंतर गतिशीलता के साथ में जो है बना रहता है। तो देखिए क्रांति से सुरक्षा, इस शासन व्यवस्था की जो है अगली गुण हमने देखा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगला जो इसका गुण है वो है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। तो देखिए इसमें हमें शक्तिशाली शासन व्यवस्था हम देखते हैं, इसका जो अगला गुण है वो है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। शक्तिशाली शासन व्यवस्था, तो देखिए लोकतंत्र का अगला गुण है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। देखिए इस शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि लोकतंत्र जो है बहुत ही, क्योंकि इसमें शासन जनसम्मति पर आधारित होता है, और किस प्रकार से जब राष्ट्र पर संकट आता है तो संपूर्ण जनता एक बिल्कुल व्यक्ति के रूप में खड़ा होकर जो है संकट से जूझने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये शासन व्यवस्था बहुत ही शक्तिशाली होती है, क्योंकि लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम पर, देशभक्ति पर आधारित होता है, और इसमें व्यक्ति संकट के समय जो होता है वो सब एक साथ मिलकर जो है इसमें राष्ट्रीय संकट से उभरने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था में बहुत ही जो है हमें शक्ति संपन्न व्यवस्था दिखाई देती है। तो हम ये देखते हैं कि लोकतंत्र में जो है राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख स्रोत जनता है, और जनता जो होती है किस प्रकार से जो है लोगों को, क्योंकि इस शासन व्यवस्था में सरकार का प्रमुख आधार जनता होती है और जनता में शासन की शक्ति निहित होती है, इसलिए हम ये देखते हैं कि शासन व्यवस्था में जो है शक्तिशाली शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तो देखिए इस प्रकार से लोकतंत्र के जो हमने गुण देखे उन गुणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था वर्तमान में जो राष्ट्रीय राज्य है, आधुनिक राष्ट्रीय राज्य में हमें ये व्यवस्था देखने को मिलती है, और सभी जो राष्ट्रीय राज्य हैं वो अपने आप को उदारवादी लोकतांत्रिक देश कहलाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार वर्तमान में आधुनिक समय में ये शासन व्यवस्था का बहुत ही प्रचलित नमूना है, और ये शासन व्यवस्था जो है बहुत ही सफलता के साथ में जो कार्य संचालन इसमें किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जो गुण हमने देखे उसके बाद में इसमें कुछ कमियां दोष भी हैं, तो उसकी चर्चा हम करते हैं कि लोकतंत्र के गुण के बाद में लोकतंत्र के दोष क्या हैं। तो देखिए लोकतंत्र के जो दोष हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र के दोष क्या हैं। देखिए लोकतंत्र के गुण के बाद में अब हम लोकतंत्र के दोषों के बारे में चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र के दोष क्या हैं। तो देखिए लोकतंत्र के दोष,
देखिए लोकतंत्र के दोष हम देखते हैं कि लोकतंत्र के दोष किस प्रकार से हैं। तो देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो दोष है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि दोष किस प्रकार से हैं। तो देखिए लोकतंत्र के दोष में हम देखते हैं, पहला दोष है कि लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। पहला दोष है लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा, लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा धारणा भ्रमपूर्ण है। तो देखिए लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है, इसका मतलब है कि लोकतंत्र व्यक्ति को विवेक संपन्न मानता है। लोकतंत्र व्यक्ति को विवेक संपन्न मानता है, जबकि वास्तव में व्यक्ति अबौद्धिक प्राणी है। वास्तव में व्यक्ति अबौद्धिक प्राणी है, जो अबौद्धिक प्राणी है, जो अपने मूल संवेगों से संचालित होता है, जो अपने मूल संवेगों से संचालित होता है। देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोकतंत्र जो है व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानता है, क्योंकि लोकतंत्र उदारवादी विचारधारा पर आधारित है और हम वर्तमान में लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र का प्रतिरूप ही मानते हैं, और उदारवाद व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानता है। उसी प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यक्ति को विवेकशील प्राणी माना जाता है और विवेकशील होने के नाते उसे स्वतंत्रता, समानता, अधिकार ये सब जो है उसे दिए जाते हैं, जबकि हम देखते हैं कि वास्तव में व्यक्ति एक अबौद्धिक प्राणी है और उसका जीवन अपने मानवीय संवेगों से संचालित होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि व्यक्ति अपनी मूल भावनाओं से ही अपना जीवन व्यतीत करता है और उसके जीवन में जो मूल संवेग होते हैं, मानवीय संवेग होते हैं, उन्हीं से ही उसका जीवन संचालित होता है। तो यह हम देखते हैं कि व्यक्ति के संबंध में जो लोकतंत्र की धारणा है वो बहुत ही भ्रमपूर्ण है। अगला दोष है अयोग्यता का शासन। तो देखिए अयोग्यता का शासन। तो देखिए लोकतंत्र को अयोग्यता का शासन कहा जाता है, क्योंकि इसमें शासन का आधार संख्या होती है, जिसे हम बहुमत कहते हैं। देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुमत का शासन होता है, अल्पसंख्यकों पर बहुमत मेजोरिटी शासन करती है। तो देखिए इसे बहुसंख्यक मूर्खों द्वारा
एक मूर्ख सरकार का निर्वाचन होता है। तो देखिए इसमें विद्वानों की तुलना में मूर्खों का शासन, विद्वानों की तुलना में मूर्खों का शासन होता है, मूर्खों का शासन होता है। अल्पसंख्यक विद्वानों पर बहुसंख्यक मूर्ख शासन करते हैं, मूर्ख शासन करते हैं। तो देखिए इसमें अयोग्यता का शासन, हम देखते हैं कि इसमें शासन का आधार संख्या होती है, अल्पमत पर, अल्पसंख्यक पर बहुमत जो होता है वो शासन करता है, मेजोरिटी शासन करती है माइनॉरिटी पर। तो इसमें हम कहते हैं कि इसमें मूर्खों का शासन होता है, कि इसमें विद्वान लोगों पर जो है मूर्ख व्यक्ति शासन करते हैं। अगला हम देखते हैं कि अगला इसका दोष है, शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण है। तो देखिए शैक्षणिक महत्व का जो दावा है वो भ्रमपूर्ण है, शैक्षणिक महत्व का दावा, शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण है। तो देखिए इस शासन व्यवस्था में माना जाता है, ये शासन व्यवस्था देशभक्ति की भावना का संचालन करती है और लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करती है। तो हम कहते हैं कि ये दावा क्या है, भ्रमपूर्ण है, ये गलत है। इसमें ऐसी हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दल राष्ट्रीय समस्या आने पर जो है अपने स्वार्थ को ही प्रमुख मानते हैं और अपने स्वार्थ के आगे वो राष्ट्रीय हित की उपेक्षा कर देते हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि लोकतंत्र में राष्ट्रीय हित प्रमुख होता है, जबकि वास्तव में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय हित की उपेक्षा राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल अपने संकीर्ण स्वार्थों के कारण राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करते हैं। तो इस प्रकार ये दावा गलत है कि इसमें शैक्षणिक जो है बात की जाती है या शैक्षणिक महत्व पर बल दिया जाता है। अगला है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है। तो देखिए लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है। देखिए इसमें लोकतांत्रिक स्वतंत्रता लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है। तो देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता की बात तो की जाती है, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता के साथ में इसमें आर्थिक स्वतंत्रता पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें आर्थिक स्वतंत्रता व समानता जो है प्रदान नहीं की जाती। तो देखिए इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्रदान की जाती है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता व समानता
आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं की जाती है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से इस शासन व्यवस्था में राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्रदान की जाती है लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान नहीं की जाती, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस प्रकार से इस शासन व्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता समानता की बात नहीं की जाती, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि राजनीतिक स्वतंत्रता की बात इसमें की जाती है।